अभी तक हमने इस टॉपिक में जो भी कुछ सीखा है उसे हम यहाँ पर समराइज करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस रहता है जहाँ पर सेल्स जो होते हैं रूट एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम्स और साथ ही कैम्बियम से डिराइव होते हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं और मैच्योर हो जाते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। सेकेंड पॉइंट इज डी डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। यानी कि डी डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस रहता है जहां पर जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स रहते हैं उनके अंदर वापस से कैपेसिटी आ जाती है डिवाइड करने की। थर्ड पॉइंट इज री डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच differentiated cells that have lost their ability to divide are reformed from de-differentiated cells and have the ability to perform specific functions. Yani ki re-differentiation aisa process rehta hai jaha par differentiated cells jinke andar divide karne ki ability khatam ho jati hai wo wapas se reform hote hai de-differentiated cells se aur उनके अंदर वापस से एबिलिटी आती है कि वो दोबारा से स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप इन डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ एज वेल एज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। द एबिलिटी टू चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिली इन कॉटन प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग फेजेस ऑफ ग्रोथ में डेवलप होते हैं और ये जो डेवलपमेंट देखा जाता है दैट इज अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। यानी कि ये एक एनवायरमेंट की तरफ रिस्पॉन्स रहता है और यही एबिलिटी जहाँ पर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से चेंजेस देखे जाते हैं उसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। और हेट्रोफिली जो कि हम कॉटन प्लांट के अंदर देखते हैं वो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल रहता है। यहाँ हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, तब तक आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। यह आपके सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 एक रेफरेंस क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इसी टॉपिक पर बेस्ड है।